हैकिंग इंटरनेट की दुनिया में दोस्तों लोग जिस वर्ड से सबसे ज्यादा डरते हैं वो यही वर्ड है दोस्तों, हैकिंग। क्यों डरते हैं? क्योंकि दोस्तों हैकर जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट में जितना ज्यादा पैसा रखा हुआ है उसको दोस्तों एक क्लिक में या फिर आपके साथ कुछ प्रोसेस करने के बाद उड़ाकर दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में दोस्तों डाल सकता है और आपको दोस्तों घंटा पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों आपके इंस्टाग्राम का ट्विटर का जो आईडी पासवर्ड है वो भी दोस्तों हैक कर सकता है और आगे क्या करेगा वो तो आपको पता ही दोस्तों। तो हैकिंग का लफ्ज इसीलिए दोस्तों इंटरनेट में सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये हैकिंग का ये इतना सारा कांड उड़ेगा दोस्तों, शुरुआत कहाँ से होती है यार, किसके दिमाग में सबसे पहला किला काटा है कि भाई साहब कुछ हैकिंग वगैरह भी चीज़ ऐसा होता है जिससे आप किसी भी सिस्टम को मैनिपुलेट करके अपना काम दोस्तों वो निकलवा सकते हैं। तो इस कहानी की दोस्तों शुरुआत होती है हमारे सबसे बड़े इंटरनेट की दुनिया के हैकर के जिसका नाम था दोस्तों केविन मिटनिक, एक ऐसा दोस्तों हैकर जो आप कह सकते हैं। जब कंप्यूटर दोस्तों इस दुनिया में नया नया आया तो उस टाइम में सबसे बड़ा हैकर जिसको माना जाता था और आज तक दोस्तों माना जा रहा है वो है दोस्तों केविन मिटनिक। तो इनकी कहानी की दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, जब ये 12 साल के थे और 12 साल के दोस्तों अपने बच्चों को देखा हो वो गेम खेलते रहते हैं, उनको ज़्यादा कुछ दुनिया में ध्यान नहीं होता, वो मजे में जिंदगी गुजार रहे हैं अपना, ठीक है। लेकिन हमारे केविन भाई साहब क्या कर रहे थे, ये दोस्तों 12 साल की उम्र से हैकिंग कर रहे थे दोस्तों, जिससे इन्होंने पूरे लॉस एंजलिस में दोस्तों सफ़र किया है फ्री में, बस में। वो कैसे बताता हूँ, जो दोस्तों टिकट होता था ठीक है ना, ये डस्टबिन में फेंका हुआ जो मिस प्रिंट हुआ है, इसमें जो टिकट वगैरह होते हैं जिनको काम नहीं होता है उसको फेंक दिया था डस्टबिन में, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ पे जीरोक्स वगैरह फोटो कॉपी होता है वहाँ पे ऐसे आपने कोई डॉक्यूमेंट को दोस्तों कॉपी कराया है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कुछ मिस प्रिंट हो जाता तो उसको आप रखते नहीं, उसको आप डॉक्यूमेंट फेंक देते हैं डस्टबिन में, लेकिन अगर वो किसी के हाथ में आ गया तो आपके साथ जरूर कुछ कर सकता है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो टिकट होता है जिसमें कुछ मिस प्रिंट हो गया होता है उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। तो एक भाई साहब ने देखा कि अच्छा टिकट यहाँ फेंका हुआ है, टिकट तो मिल गया दोस्तों, लेकिन उस पर दोस्तों एक पंच लगता है, कैसे होल लगता है जो कंडक्टर दोस्तों लगाता है जिससे पता चलेगा आपका टिकट वैलिड है या फिर नहीं। तो इन भाई साहब क्योंकि 12 साल के बच्चे थे तो उन्होंने कंडक्टर को जाकर बोला कि आप ये जो मारने वाले लेते हैं ना पंच, ये कहाँ मिलता है, क्योंकि मेरा एक स्कूल प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत है। अब वो कंडक्टर ने सोचा ये तो बच्चा है, इसको मैं बता देता हूँ। तो भाई साहब ने बच्चों को बताया कि वो पंच मार्केट में कहाँ मिलता है, आप कहाँ जाके ले सकते हैं। और केविन भाई साहब वहाँ जाते हैं, उसको दोस्तों लेते हैं और जो मिस प्रिंट हुआ टिकट है उस पर मार देते हैं और बस पूरे दोस्तों लॉस एंजलिस में भाई साहब फ्री में काफ़ी सालों तक ऐसे दोस्तों सफ़र करते हैं। तो ये कहानी रही 12 साल के केविन मिटनिक के ऊपर। अब दोस्तों आप आ जाते हैं थोड़ा बड़ा केस के ऊपर, ये तो मजे में बच्चे थे कर रहे थे। तो केविन भाई साहब जब 16 साल की उम्र की हुई तो 16 साल के हम जैसे लोंडे क्या करते दोस्तों, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, बैठ के इंस्टाग्राम चलाते हैं। लेकिन केविन भाई साहब ने कुछ अलग ही किया, इन्होंने दोस्तों सबसे पहले अपना क्राइम दोस्तों की आप कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो दोस्तों मिनी कंप्यूटर्स ये सारी चीज़ें बनाती थी, उनका जो सॉफ्टवेयर था दोस्तों केविन भाई साहब ने उनके नेटवर्क को दोस्तों हैक करके वो सॉफ्टवेयर को दोस्तों कॉपी कर रहे थे जो कि इलीगल है, ठीक है। इसकी वजह से इन भाई साहब को दोस्तों 12 महीनों की दोस्तों वो जेल हुई 1988 में। लेकिन ऐसे जो बड़े बड़े हैकर होते हैं दोस्तों उनको एक सुपरविजन में रखा जाता है कि वो जेल से निकलने की बात करके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इन भाई साहब को दोस्तों सुपरविजन में रखा गया था एक दो सालों के लिए, लेकिन इन्होंने किया सुपरविजन के अंदर रहते हुए पुलिस की निगरानी में दोस्तों रहते हुए इन्होंने एक दूसरा कंपनी जिसका नाम था पैसिफिक ब्लू, ये दोस्तों एक वॉइस मेल कंपनी थी, ठीक है। तो भाई साहब ने क्या किया, उनके भी नेटवर्क को तोड़ के दोस्तों उनका भी सिस्टम को दोस्तों हैक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे केविन भाई साहब हो जाते हैं फरार, ठीक है। दो सालों या फिर दो सालों से ज़्यादा आप एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे देख पाए तो उतने सालों के लिए भाई साहब फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं दो दोस्त दुनिया से, गायब नहीं होते हैं बस अब तक खूब चल। तो इस कंपनी को इस भाई साहब ने दोस्तों फिर से हैक कर लिया पुलिस के सुपरविजन में रहते हुए। तो अब क्या होगा, तो केविन भाई साहब अपना बुरिया बिस्तर बांधते हैं और भाग जाते हैं और फरार हो जाते हैं दोस्तों, किसी को उनको पता नहीं चलता कि वो कहाँ सिक्रेटरी दोस्तों अभी रह रहे हैं। तो दो या फिर तीन सालों के लिए दोस्तों भाई साहब वो भाग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों उनको अरेस्ट कर लिया जाता है FBI के द्वारा 1995 में दोस्तों, ठीक है। तो 1995 में उनको अरेस्ट किया जाता है और उनके ऊपर काफ़ी सारे क्राइम, काफ़ी सारे क्रिमिनल चार्जेस दोस्तों लगाए जाते हैं, वायर फ्रॉड, ये फ्रॉड, वो फ्रॉड, पूरी यहाँ पे लिस्ट दोस्तों देख पा रहे हैं कि केविन भाई साहब के ऊपर कितना दोस्तों यहाँ पे चार्ज लगा है। सुपरविजन के अंदर दोस्तों उन्होंने ये पहला कांड किया, वो भी क्राइम होता है कि अगर पुलिस के सुपरविजन में आप हैं फिर भी आपको क्राइम कर रहे हैं तो उसका और सजा होता है। तो ये करते करते केविन भाई साहब को 5 साल की या फिर 5 साल थोड़ा ज़्यादा की आप देख सकते हैं एग्जैक्ट नंबर उतना का दोस्तों जेल के टोटल सजा हुई। तो केविन भाई साहब जो 2 सालों के लिए दोस्तों गायब हुए तो 2 सालों के अंदर ही क्या कर रहे थे, खा पी के सो जाते थे दोस्तों, ऐसा नहीं। 2 सालों के अंदर पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे दोस्तों डजन्स ऑफ कंप्यूटर थे जिनका दोस्तों प्राइवेट ईमेल, प्राइवेट पासवर्ड, प्राइवेट डाटा को दोस्तों हमारे केविन भाई साहब ने हैक कर लिया था। और ये दोस्तों जो क्लोन वगैरह मोबाइल फ़ोन होते हैं, जो फेक IDs वगैरह थे उसका इस्तेमाल करके अपना लोकेशन, अपना आइडेंटिटी को दोस्तों छुपा रहे थे। तो इन 2 सालों में भैया पूरा यूनाइटेड स्टेट्स को भाई साहब ने हिला दिया था, क्योंकि इंटरनेट उस टाइम तक दोस्तों पूरा वर्ल्ड में उतना नहीं फैला था, वरना पूरा वर्ल्ड को हिला देते, ठीक है। तो 2 सालों में दोस्तों इनको काफ़ी ज़्यादा कांड हो, उसके बाद FBI ने दोस्तों फाइनली इनको पकड़ लिया। उसके बाद दोस्तों जब वो जेल में चले गए थे ना
तो ऐसा नहीं था कि केविन भाई साहब अकेले दुनिया के हैकर थे, और भी काफी बड़े बड़े दोस्तों हैकर थे वहां पे जो उनको अपना आइडियल मानते थे, ये भाई साहब बड़े गुरुजी हैं। तो जब हुआ केविन का अरेस्ट, तो इन्होंने दोस्तों क्या किया, उस जमाने में याहू दोस्तों काफी टॉप पे चल रहा था, गूगल उतना वहाँ फेमस नहीं था उस जमाने में, 90s की बात कर रहा हूँ, तब दोस्तों याहू काफी लोग ज्यादा सर्च किया करते थे याहू पे आगे। तो याहू को उन सारे लोगों ने क्या किया, हैक कर लिया दोस्तों। ये एक अलग से ग्रुप है जिसका नाम है एनोनिमस, ये दोस्तों आप समझ सकते हैं ग्रुप ऑफ हैकर्स का है दोस्तों, जो मिलके ये तो कहते हैं अच्छा काम करते हैं। तो ये देख लो, तो इस भाई साहब ने याहू का हैक किया और डिस्प्ले में मैसेज आ रहा था रिलीज मैकेनिक, यानी मैकेनिक को रिलीज करो वरना आपके जो कंप्यूटर्स है जिन्होंने याहू को रिसेंटली विजिट किया उस पर दोस्तों एक कंप्यूटर वॉर्म यानी कंप्यूटर एक वायरस डाल दिया गया। और क्योंकि ये वक्त था दोस्तों दिसंबर का, जैसे न्यू ईयर आता है और आपने रिलीज नहीं किया तो उन सारे कंप्यूटर में काफ़ी खतरनाक वाला डैमेज हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट वहाँ पे आ रहा था दोस्तों, लेकिन याहू ने इसे डिनाई किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ, लेकिन होने यानी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे ही केविन को दोस्तों उनके टाइम पे 5 साल की जेल काट के रिलीज़ किया गया, उसके भाई साहब को थोड़ी अकल आई कि 3 साल जेल में काटने के बाद दोस्तों इन्होंने अच्छा काम करना शुरू किया और एक प्राइवेट दोस्तों पेड कंसल्टेंट बन गए, इन्होंने अपना एक कंपनी भी स्टार्ट किया। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम फाड़ के रखा था, तो इनकी कंपनी अभी भी है, ये भी अभी दोस्तों स्पीकर हैं, कभी भी दोस्तों काम करते हैं। तो दे रहा है दोस्तों, लेकिन दुरुस्त ये रही दोस्तों केविन मिटनिक के दोस्तों इतिहास के सबसे महान सबसे टॉप वाले हैकर की। तो ये दोस्तों मैंने एक आदमी को बताया, इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते यहाँ पर लिस्ट देख पा रहे, लेकिन जो टॉप के थे जिनमें ज़्यादा कुछ कहानी था जो उस टाइम के दोस्तों नए नए निकले थे, वो था केविन मिटनिक। उसके बाद दोस्तों मैंने एक और आदमी का यहाँ पे जिक्र किया था, एक और ग्रुप का जिसका नाम था दोस्तों एनोनिमस। दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनोनिमस। ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वी आर एनोनिमस। इन दिस डे एज वी स्पीक देयर इज अ रेवोल्यूशन ब्रूइंग। अभी दोस्तों एक ग्रुप है जहाँ पे दोस्तों हर तरह के बंदे होते हैं, ये सब के सब हैकर होते हैं, कोई दोस्तों इलीट क्लास का होता है जो एडवांस हैकर होता है, कोई दोस्तों नोब नया नया जो बंदा ज्वाइन करता है, लेकिन दोस्तों सब के सब इस ग्रुप में दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं और दोस्तों कोई भी हो सकता है, बस उसको एक मास्क यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है, बस और अपना नाम एनोनिमस रख लो और बस आपका दोस्तों काम हो। इंटरनेट पे जो भी चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे बात आपसे छुपा रही है या फिर काफ़ी सारे दोस्तों पॉइंट जो होते हैं जो गलत हो रहे होते हैं उनके खिलाफ ये दोस्तों जो ग्रुप है वो आवाज़ उठाते हैं। इनका जनरल डिफिनेशन दोस्तों यही है। इसकी शुरुआत दोस्तों 4chan एक वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर लोग मीम्स वगैरह शेयर करते थे 2003 में, ठीक है ना। अब वहाँ पे दोस्तों आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपना जो दिल में आ रहा है वो कर सकते हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट डालते हैं अगर वो उनके गाइडलाइन के खिलाफ हुआ तो रिपोर्ट करने के बाद वो हट जाता है, लेकिन दोस्तों 4chan में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपको जो दिल करे जो आपका बात हो आप वहाँ पे दोस्तों अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों बात चली, कुछ लोगों ने जो गलत चीज़ें हो रही थी उनके खिलाफ दोस्तों मीम बनाया ये बनाया, तो ये ग्रुप दोस्तों वहाँ से अनऑफिशियली आप कह सकते हैं एनोनिमस के दोस्तों शुरुआत हुई। यहाँ पर कुछ हैकिंग वगैरह यहाँ पर सीन नहीं था, यहाँ पर सिंपल सा था जो मीम्स वगैरह ये सारी चीज़ों से शुरुआत हुई, जो बाद में जाकर दोस्तों एक काफ़ी खतरनाक ग्रुप जो अभी दोस्तों एग्जिस्ट करती है। केविन भाई साहब तो सुधर गए, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो एनोनिमस ग्रुप है वो दोस्तों अभी भी है और अभी भी कांड होता रहता है। इनका दोस्तों क्राइम का लंबा लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सारे काम तो करते हैं इलीगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके अगर देखेंगे पूरे अगर विकिपीडिया में जाओ तो आपको मिल जाएगा कि हर साल में इन्होंने कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे हर साल ये सारे दो कांड करते रहते हैं। अब इसका एक मेन केस है दोस्तों, ये एनोनिमस का दोस्तों हमेशा गवर्नमेंट से पंगा चलता रहता है, ठीक है। एक दोस्तों वेबसाइट है, आपने विकिपीडिया सुना होगा, वैसे दोस्तों एक है विकिलीक्स, जहाँ पे दोस्तों आपको जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो सरकार आपको नहीं बताती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, जिसका सोर्स आप समझ सकते हैं एनोनिमस दोस्तों होता होगा। अब जो बात ऐसा है कि उसको जो फंडिंग होता था वो चलता था दोस्तों पेपैल की तरफ से, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने बोला पेपैल को कि आपको फंडिंग इसको नहीं करना है। तो एनोनिमस भाई साहब सारे गुस्सा हो गए और उन्होंने पेपैल का वेबसाइट को दोस्तों डाउन कर दिया, जिसकी वजह से पेपैल को मिलियंस ऑफ डॉलर को दोस्तों वो नुकसान झेलना पड़ा। और इनका दोस्तों लंबा बहुत कहानी है यार, क्योंकि एनोनिमस काफ़ी 2003 में इनका तो समझ सकते हैं ज्वाइन वगैरह भी चल रहा है 2021। अब एनोनिमस जो सिंपल साधा बोलते हैं कि हम भाई साहब अच्छे के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों देखने को हमें मिला है कि एनोनिमस से कुछ ग्रुप अलग होके दोस्तों कुछ ग्रुप के पार्टी अलग होके अपना एक न्यू ग्रुप बनाते हैं और वो जो नॉर्मल बंदे होते हैं उनका क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड लीक करते हैं, ईमेल, ये सारी चीज़ें उनको बस परेशान करते हैं। तो ऐसा दोस्तों 2-4 ग्रुप हमें दोस्तों देखने को मिला है जो बाकी सारे अरेस्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। एनोनिमस के जो मेन पार्टी जो मेन हैकर्स दोस्तों जो वो लगभग सारे दोस्तों अरेस्ट हो चुके हैं, और अभी जो एनोनिमस का ग्रुप है उसमें ज़्यादातर नए बंदे आए, तो ये अभी उतना डेंजरस नहीं जितना पहले हुआ करता था, लेकिन अभी भी कुछ दोस्तों कम नहीं। तो बस ये साल भी दोस्तों गुजरने दो, देखते हैं कि अगला साल में दोस्तों क्या कांड होता है। तो ये दोस्तों दो कहानी रही,
पहले हमारे केविन भाई साहब का कहानी था, एक वन मैन आर्मी दोस्तों, उसके बाद पूरे पूरे ग्रुप का। इसी तरीके से दोस्तों काफी सारे दोस्तों हैकर ग्रुप आपको मिलेंगे और काफी सारे आपको आदमी हर साल वर साल केस आते हैं, कभी ये हैक हो गया कभी ये हैक हो गया। तो ये दोस्तों दो कहानी रही दोस्तों, एक सिंगल आर्मी की दोस्तों जिसका नाम था केविन भाई साहब, और दूसरा हमारा हैकर ग्रुप जो अभी भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है दोस्तों एनोनिमस। तो ये दो कहानी रहे जो मैंने सोच की आपको सुनानी चाहिए दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो में, तो ये अच्छी वीडियो को पसंद आई होगी, पसंद आई तो पता ही क्या करना है, वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं लोग अगली वीडियो में।